2005 में जो प्रोसीजर सही था वो 2023 में गलत क्यों? क्यों रोना आज आ रहा है, तब क्यों नहीं आया था? अरे तब भी निकले थे, सुनिए, तब 10 थे, 6 बीजेपी के थे, 4 दूसरे दल के भी थे, आरजेडी के भी थे, कांग्रेस के भी थे। ये न्याय होता है, ये न्याय होता है कि जिसने गलती की थी 10 को सजा मिली थी। ऐसा नहीं होता है कि आप एक रमेश बिदुड़ी को छोड़ देंगे और दूसरों को सजा दे देंगे। वेलकम टू हुल्लर मीडिया दोस्तों। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू की कंपनी से लेकर कई ठिकानों पर आयकर छापेमारी में पकड़ी गई 351 रुपए का मामला इन दिनों देश की राजनीति में गरमाया हुआ है। अब ऐसे में केंद्र में बैठी भाजपा ने कांग्रेस सांसद के इस मुद्दे को गरमाते हुए लोकसभा में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं टीवी डिबेट में इस मुद्दे को टीवी एंकर्स के द्वारा विपक्ष के प्रवक्ताओं से भ्रष्टाचार को लेकर तीखी बहस हुई, जिसमें सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और न्यूज एंकर से लेकर भाजपा प्रवक्ता के बीच देखिए कांग्रेस सांसद धीरज साहू से लेकर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को लेकर क्या कुछ हुआ। 300 करोड़ में 500 रुपए के नोटों के बंडल, 200 रुपए के नोटों के बंडल, 100 और 50 रुपए के नोटों के बंडल। अब अनुराग भदौरिया जी, इतने पैसे कहीं देखे हो तो गरीबों को भी दिखा दीजिए, क्योंकि आप लोग सब गरीबों की और पिछड़ों की राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है एक टूरिस्ट स्पॉट बनाकर ऐसे नेताओं के घर पर ले जाना चाहिए, कम से कम गरीब देख तो सके कि ये नोट दिखते कैसे हैं जो सांसदों के घर और उनके बिजनेसेस पर मिलते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। मैं आपकी बात से नाविका जी पूरी तरह सहमत हूँ। अगर कोई इस देश के अंदर में करप्शन कर रहा है और ये इनकम टैक्स के माध्यम से, चूंकि अभी तो पता नहीं चला करप्शन का पैसा है कि उनके बिजनेस का पैसा, अगर पता चलता है करप्शन का है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन उसके साथ साथ बेंगलोर में जब 8 करोड़ रुपए पकड़े गए थे बीजेपी के एमएलए के यहाँ, उसकी भी तो खबर होनी चाहिए ना। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चुप्पी क्यों साथ जाती है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने जो जिसके घर में 8 करोड़ रुपए पकड़े गए थे वो क्या था। अरे देवा। तीसरी बात, जिसे पार्लियामेंट के अंदर में अभी आपने महुआ मित्रा जी की बात की, इसी पार्लियामेंट के अंदर में आपको याद होगा एक रमेश बिदुड़ी भी थे जिन्होंने सांसद का अपमान किया, पार्लियामेंट का अपमान किया, सांसदों का अपमान किया, हमारे संविधान का अपमान किया। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, या बीजेपी ने क्या कार्रवाई की, प्रमोशन दे दिया उनको। ये भारतीय जनता पार्टी का न्याय है क्या? इसी पार्लियामेंट के अंदर में आपको याद होगा 2005 24 दिसंबर, जब यहाँ पे 10 सांसदों को, अगर राज्यसभा एक मिला दिया, 11 सांसदों को यहाँ से निलंबन कर दिया गया था, उनको उनकी सदस्यता टर्मिनेट कर दी गई थी, उसमें 6 भारतीय जनता पार्टी के भी थे। तब उस समय के विपक्ष के लीडर थे आदरणीय लाल किशन आडवाणी जी, और बीजेपी के नेता वॉकआउट कर गए थे वोटिंग के दौरान और कहा था कंगारू कोर्ट है, और आडवाणी जी ने कहा था, आदरणीय आडवाणी जी ने कहा था कि ये न्याय सही नहीं है, पनिशमेंट जरूरत से ज्यादा दे दिया गया है। तो क्या आज बीजेपी के प्रवक्ता सजाद बोलेंगे कि जो उनके बीजेपी के उस समय के आदरणीय आडवाणी जी ने बोला था कि जरूरत से ज्यादा पनिशमेंट है, तो क्या आज ये जरूरत से ज्यादा पनिशमेंट नहीं है, इसका कोई जवाब है? और कैश का कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं दिखा है कहीं पे, बातें हुई हैं वहां तो ऑन कैमरा पैसे का लेन देन भी दिखा गया था, कैमरे में कैद था क्योंकि वो इंस्टिंग ऑपरेशन था, उसके बारे में तो क्या इनकी राय है ये भी बता दें। तो मैं जानती हूँ, मैं उस वक्त संसद में थी, एज अ रिपोर्टर कवर कर रही थी, तो उससे मेरा क्या फायदा, और उनकी बात नहीं सुनी गई थी और निष्कासित किए गए थे। तो आप किस बात का दर्द है शहजाद पूनावाला, उसका बता दीजिए क्या इलाज है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? क्योंकि अवनीजेश जी को भी बोलना है, मैं तुरंत बात रख दूं। पहले तो बीजेपी के जो एमएलए थे उनके बेटे के घर पे 8 करोड़ मिला था, हमारी ही लोकायुक्ता की पुलिस ने रेड की थी, और ना केवल उसके बेटे को अरेस्ट किया, वो भी अरेस्ट हुआ और उसको हमने टिकट भी काटा। अब बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस व्यक्ति को बाहर करेगी राज्यसभा से, करेगी? हाँ या ना? एक मेरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए अनुराग जी, बीच में मत बोलिए, यही समस्या है मैम रविका जी, इसलिए मैं इनसे ऐसे डिबेट ही नहीं करता क्योंकि ये बीच में ही बोलने की बीमारी है भाई जी। पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। बेटे के घर में मिला, देखिए नाविका जी, इनकी समस्या ये है कि इनके कानों में हड़ताल है, सिर्फ मुंह पर इनकी कंट्रोल नहीं है, ये बोले जाते हैं आउटगोइंग फ्री इनकमिंग बंद। अब देखिए दूसरी बात, इन्होंने 2005 का उदाहरण गिना है। अरे 2005 में मान्यवर 12 दिसंबर की घटना, 23 दिसंबर तक इंक्वायरी समाप्त, रिपोर्ट सबमिट, और उसी दिन पर रिपोर्ट एक्सेप्टेड, तो बताइए तब वो प्रक्रिया सही और आज वो प्रक्रिया गलत कैसे हो गई? उस समय पर 10 सांसदों की कौन सी बात संसद में सुनी गई और 10 सांसदों को मौका मिला, एथिक्स कमेटी में मिला,
तो आज वही प्रक्रिया अपनाई गई, 1951 में भी वही प्रक्रिया थी, परंतु आज भ्रष्टाचार के साथ कौन खड़ा है? चाहे वो कैश और क्वेरी हो, चाहे वो और भ्रष्टाचार हो, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, आप, ये सारे लोग भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। कितना लोग है भैया, डिस्कस कर लें। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, सांस ले लीजिए। सवाल ले रहा हूं मैं। सवाल सीधा है, बात कर रहा हूं। सवाल का सवाल है, नहीं नहीं, सवाल सीधा है कि 2005 में आपने उनका रिएक्शन बताया, सही बताया, मैं हाँ। थी वहां जब ये सब हो रहा था हाँ। लेकिन सुना नहीं गया, निष्कासन जो करना था वो कर दिया गया था। आज कौन सा सुना गया? हाँ, आज कौन सा सुना गया? 2005 में जो 2005 में जो प्रोसीजर सही था वो 2023 में गलत क्यों? क्यों रोना आज आ रहा है, तब क्यों नहीं आया था? अरे तब भी निकले थे, सुनिए, तब 10 थे, 6 बीजेपी के थे, 4 दूसरे दल के भी थे, आरजेडी के भी थे, कांग्रेस के भी थे। ये न्याय होता है? ये न्याय होता है कि जिसने गलती की थी 10 को सजा मिली थी? ऐसा नहीं होता है कि आप एक रमेश बिदुड़ी को छोड़ देंगे और दूसरों को सजा दे देंगे। नाविका 10 सेकंड मिलता है मुझे आपके शो पे केवल। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार सिर्फ ऑपोजिशन करता है क्या? देखिए, आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, तौसीफ जी और मैं कभी नहीं बोलता नाविका जी, पर मेरे तो हर 10 सेकंड में बोला जाता है। अनुराग जी और तौसीफ जी, तो जनता सुन नहीं सकती आपके जवाब, तो एक दूसरे के ऊपर ना बोले। मैं सबको समय दूंगी, म्यूट में करना नहीं चाहती किसी को, मैं सबको समय दूंगी, आप जानते हैं मैं सबको समय दे। नाम क्यों ले रहे? मैं तो बोला ही नहीं हूं अभी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप इतने अच्छे हैं, आपका नाम हमेशा मुंह पर आ जाता है, क्या करें? नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। देखिए नाविका जी, आपको पहले बताया था फिर बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे एक है। जब अन्याय होगा तो हम एक साथ दिखाई देंगे, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि तो अन्याय अगर पार्लियामेंट के अंदर होगा। अगर रमेश जी बोलने दीजिए ना, रमेश जी बीच बीच में, नाविका जी अन्याय हो रहा है, अब मुझे बोलने दीजिए। आप बोलने लगेंगे, बीजेपी नहीं बोलेगा तो आप बोलेंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ रमेश बिदुड़ी को पार्लियामेंट के अंदर में उसने अपमान किया संसद का, उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं की और मोहम्मद्रा को आप निकाल देते हो। यही 2005 में 10 सांसदों को निकाला गया था, जिसमें 6 बीजेपी के थे और 4 एक कांग्रेस का था, 3 बीएसपी के थे, आरजेडी के भी थे, क्योंकि न्याय हुआ था, सभी लोगों को बराबर आंखों से देखा गया था, 10 के 10 निकाले गए थे। आज रमेश बिदुड़ू के ऊपर आप एक्शन नहीं लेते हो, महुआ मुत्रा पर एक्शन ले लेते हो, यह है सवाल, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हो समाज में, आप अन्याय कर रहे हो पार्लियामेंट कर दूं कि रमेश बिदुड़ी के ऊपर अनुचित बोलने का, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का आरोप है, और दूसरी तरफ लॉगिन देकर कैश फॉर क्वेरी का सवाल है। आप दोनों को एक साथ कैसे देख सकते हैं मुझे नहीं पता। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बताइए अनुराग भदौरिया, वो कार्रवाई सही है गलत है? आप तो ईडी में है ना, बताइए कांग्रेस सही है जब वो कहती है ईडी सीबीआई की कार्रवाई संजय सिंह पर सही है, या आप संजय सिंह के साथ है जो कहते हैं कि गलत है वो कार्रवाई? कितना चिंता करते हो, मैं तो नहीं बोलता कि भाई। अरे आप अपना जवाब, कभी तो जवाब दे दीजिए, कभी तो जवाब दे दीजिए। मैंने नहीं पूछा, कभी तो जवाब दीजिए। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने कभी तो कोई जवाब दीजिए। शिवसेना सिंधे को आप कितनी सीट देने वाले हो? मैं तो नहीं पूछता हूं क्या नहीं है, कितनी सीट देने वाले हो? एडीएम की कार्रवाई को छोड़ के चला गया, विद्वेष की कार्रवाई छोड़ के चलेगी? मैंने पूछा क्या जी, आपके प्रोसेस आपको जनता ने वोट दिया, आप जनता की चिंता करो ना, जनता को कैसे? अनुराग भदौरिया जी, एक किसान कैसे खुश होगा? सिर्फ लोग अपने पैरों पे लाइटर नोट पे एक चीज कहना चाहती हूँ इसके बारे में। अनुराग भदौरिया जी, लाइटर नोट पे एक चीज कहना चाहती हूँ, क्या हो रहा है? अनुराग भदौरिया जी, अच्छी बात कह रही हूँ, सुन लीजिए, लाइटर नोट पे कह रही हूँ, आपसे कोई भी सवाल पूछो आप जवाब कुछ और देते हैं, ऐसे लगता है लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। लेकिन लोकेश जिंदल जी, जनता समझ रही है अनुराग भदौरिया जी, जनता समझा भी रही है आपको, आप है कि समझने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन लोकेश जिंदल जी, क्या करप्शन के मुद्दे को बचाने के लिए ही इंडी गठबंधन एक साथ आई है, ये जनता पूछ रही है। निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। तो साथियों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के पास से मिले 300 करोड़ से ज्यादा के कैश, तो वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को लेकर इस समय देश की राजनीति में जबरदस्त खींचतान जारी है। कैश के बदले सवाल मामले में महुआ की सांसदी छीने जाने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
महुआ मोइत्रा ने खटखटाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि देश की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला इस पर आने वाला है। आप इस डिबेट पर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।